हेलो दोस्तों, आई कुछ नया करे में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पोटैटो क्रीम बनाकर दिखाएंगे, और इसके लिए पहले चाहिए हमारा एक डाब साबुन। हाँ फ्रेंड्स, तो हम क्रीम क्यों यूज़ करते हैं? हमारा दाग, स्पॉट, सर्किल सब कुछ चला जाए और हमें थोड़ा सा थोड़ा गोरा दिखाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं कोई भी क्रीम। लेकिन आज हम आपको होममेड क्रीम बनाकर दिखाएंगे, जो क्रीम अप्लाई करने से आपको गोरा दिखाएंगे, दाग, स्पॉट्स, रिंकल सब कुछ चला जाएंगे और बहुत ही अच्छा एक क्रीम ये आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो तो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू से पहले आपके पास हमारी एक छोटा सा विनती है, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो का प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम एक डाब साबुन लिया है। अगर आप ये क्रीम करोगे दूसरा कोई साबुन से तो वो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए डाब साबुन ही हमें चाहिए। तो ये पूरा साबुन का क्रीम आप बना सकते हो, लेकिन हम पूरा साबुन से ये क्रीम नहीं बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे हम क्रीम बनाएंगे, लेकिन हमें पहले इसको ग्रेड करना चाहिए। चलिए और क्या क्या लगता है हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये तो साबुन का बात गए, और ये एक है आलू। आलू का जो छिलके है वो अच्छी तरीके से हम छील लिए हैं और इसको धो लिया है, साफ कर लिया है। इसके बाद एक आलू लगेगा, ये पूरा सा पूरा आलू हम नहीं लेंगे। आप ये क्रीम को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर में 4-5 दिन स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रीम बनाना शुरू करते हैं। और भी कुछ लगेगा, लेकिन हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो एक ग्रेडर ले लिया है, फिर देखिए ये पोटैटो को हम ग्रेड कर लेंगे। ये ग्रेड करने से थोड़ा अच्छा बनता है, तो चलिए ये हम अच्छी तरीके से ग्रेड कर लेंगे, लेकिन पूरा सा पूरा ग्रेड नहीं करेंगे, हाफ ग्रेड करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो ग्रेड हो ही गया है। देखिए हाफ ग्रेड हमने कर लिया है, ये हमारे लिए हो जाएगा, हम ये फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है हम देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमने हाफ कप दूध दे दिया है। देखिए हम गैस ऑन करके एक मेस्टिन चढ़ाया है, और ये जो आलू ग्रेट करके हमने रखा था वो आलू को हमने ब्लेंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लेंड तो अच्छी तरीके से हो गया है, पूरा से पूरा आलू ब्लेंड हो गया है। फिर ये देखिए, जो दूध मैंने चढ़ाया था वो दूध अभी बॉयल आ चुकी है। इस वक्त हम ब्लेंड हुआ जो आलू है वो डाल देंगे। फिर चलिए हम ये जो डाब साबुन है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए पूरा सा पूरा नहीं ब्लेंड करेंगे, कम ब्लेंड करेंगे, और हाफ रखेंगे और हाफ हम ब्लेंड करेंगे। और जब हम क्रीम तैयार करेंगे तो ये हाफ हमारा लग जाएगा काम में, इसलिए जतन करके ये डब साबुन को हमने रख देंगे। तो चलिए हो गया है ये ब्लेंड करना, बहुत अच्छा क्रीम है, आप इस्तेमाल कर सकते हो रेगुलर। साबुन के बदले ये क्रीम से आपका जो मुंह है वो सफ़ेद हो जाएगा, साबुन के बदले यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये तो पूरा आलू बन गया है, तैयार हो गया है पूरा सा पूरा। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है, ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा इतना सुंदर बने हैं। तो इसी वक्त जो ग्रेड हुआ साबुन था डाब साबुन, उसको हम इस पर मिला लेंगे, और एक चम्मच से हम इसको घुमाते जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा नज़र करना चाहिए हमें, अगर गैस का फ्लेम अगर बढ़ा दिया ना तो वो थोड़ा सा लग जाएगा, इसलिए नज़र रखना चाहिए। लग तो नहीं गया है। तो अभी हमारा ये क्रीम पूरा सा पूरा तैयार हो गया है, आप देख लीजिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है, ये देखिए। लेकिन हमें लगता है इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने में बहुत ही अच्छा होगा, और कुछ चीज़ है हमें यहाँ पर मिलाना है, तो हमारे साथ रहिए, हम आपको बोल देंगे ये किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको ये
स्टोर करना है। तो चलिए ये हमारा ब्लेंड करना हो गया है। इसके बाद देखिए ये क्रीम कितना अच्छा बना है। और ये पोटैटो क्रीम हमने इसलिए बनाया है, हमारा आँख के नीच पर बहुत ही डार्क स्पॉट हो जाता है, देखिए एज का जो स्पॉट है वो भी नहीं आएगा हमारा। तो हमारा क्रीम अभी रेडी है ये देखिए। तो इसके साथ इसका अच्छा फल मिलने के लिए हम इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये बाज़ार का एलोवेरा जेल ना हो, आपका पेड़ है तो उसका जेल भी निकाल के आप यहाँ पर दे सकते हो। तो देखिए ये क्रीम आपको कैसा लग रहा है देखकर, चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये अप्लाई करने से आपको 20 मिनट तक रखना चाहिए आपका स्किन पर। फ्रेंड्स देखिए और एक चीज़ हम यहाँ पर दे देंगे, ये है नींबू, देखिए ये नींबू है, नींबू का रस भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नींबू में विटामिन सी रहता है और विटामिन सी हमारा स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्किन का डार्क स्पॉट चले जाता है और विटामिन सी स्किन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये क्रीम हम विटामिन सी वाले क्रीम बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डाले नींबू का रस। तो चलिए अब तो गाढ़ा सा गाढ़ा पेस्ट बन गया है, चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये आपका नेक में, हाथों में, मुंह में सभी जगह के लिए परफेक्ट है। चलिए हाथ पर लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अभी हम आपको धोकर आते हैं और दिखा रहे हैं कितना सा सुंदर और सफ़ेद बन गया है हमारा हाथ ये लगाने के बाद, ये आपको अभी अभी पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से आपको अप्लाई करना है आपका मुंह पर, देखिए थोड़ा सा मैसेज भी करना नहीं ज़रूरी है, सिर्फ लगाकर आप 20 मिनट वेट कीजिए, फिर इसको ठंडे पानी से धो लीजिएगा। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा क्रीम बना है। तो बाहर का क्रीम अभी अप्लाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अभी तो हमारा हाथ हम धोकर आ गए हैं और हमारा हाथ देखिए कितना सा गोरा बन गया है, पूरा सा पूरा ऑयल फ्री। ये देखिए अभी हम एक छोटा सा जार ले लिया है और इसको हम रखेंगे फ्रिज पर, स्टोर करके रखेंगे। और एक बढ़ गया है और एक हमारा छोटा सा जार चाहिए। तो इस तरह से आप भी पोटैटो क्रीम बनाइए। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये पोटैटो क्रीम हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाहर का क्रीम मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये पोटैटो क्रीम ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा फल मिलेगा। फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ। गुड बाय।